हेलो गाइस, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आईआईटी इन 1992 में आया हुआ क्वेश्चन था। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल थिंग्रिंग ईच रेडियस कैपिटल आर, आर टू एक्सली प्लेस्ड अ डिस्टेंस कैपिटल आर, इफ q1 एंड q2 आर रिस्पेक्टिवली द चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिंग टू दैट ऑफ द अदर रिंग। इन क्वेश्चन में एक बार आपको समझाता हूं। देखिए टू रिंग है कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर डिस्टेंस पर एक दूसरे पे से को एक्सली प्लेस है आर डिस्टेंस पे, ठीक है। एक पे चार्ज प्लस q1, दूसरे पे है प्लस q2। स्मॉल चार्ज यानी इफ स्मॉल क्यू चार्ज कैरिंग फ्रॉम सेंटर 1 टू सेंटर 2, तो वर्क डन फाइंड करना है, यानी वर्क डन फ्रॉम चार्ज कैरिंग 1 सेंटर टू एंड अदर सेंटर, ठीक है, ऐसा हमें पता करना। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर लूंगा। देखिए मान लिया हमने एक रिंग लिया है, ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पे एक रिंग और है, ये आर डिस्टेंस पे ये हमें कंसीडर कर लिया, ठीक है। इनके सेंटर से इनके सेंटर की डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस अगर बात करें तो ये भी कैपिटल आर है, ये बात करें हम लोग तो ये भी कैपिटल आर है, ठीक। इस पे चार्ज कितना है, अगर हम इस पे चार्ज की बात करें तो प्लस की q1, इस पे कितना है प्लस की q2, ओके। अब स्मॉल q चार्ज को इस यहां से यानी c1 से c2 तक ले जाने में किया गया कार्य पता करना है। तो देखिए बेटा इसमें हम लोग ऐसा ये भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस पर ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, अगर हम पाइथागोरस से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा r√2, ये डिस्टेंस कितना अपने को फाइंड होगा r√2 फाइंड होगा, ठीक है। चलो अगर पोटेंशियल पता कर लें, इस सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, c1 पे क्या होगा एंड c2 पे क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले पता कर लें हम लोग। तो देखो अगर हम लोग पोटेंशियल निकालें एट c1, पोटेंशियल एट c1, तो पोटेंशियल देखो q1 की वजह से भी होगा एंड q2 की वजह से भी होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, नो डाउट। तो देखो इस C1 पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा ये हमें लिखना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल हम ये लिख सकते हैं 1/4πε0 q1/ क्या लिखेंगे कैपिटल R, q1/R, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 1/4πε0 q2/r√2, ऐसा नो एस बेटा यही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखो यहां से अगर हम डिस्टेंस की बात करें रिंग से डिस्टेंस कितना मिलेगा r√2, कहीं से बात करो सब जगह r√2 ही मिलेगा, ठीक है r√2। तो यहाँ पे कॉमन ले लो 1/4πε0 एंड r भी कॉमन ले लो, तो बचेगा q1/q2/√2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली अगर बात करें तो देखो सिमिलरली, ठीक है, b c2 यानी पोटेंशियल एट सेंटर c2। तो देखो सेंटर c2 पे q1 की वजह से यहाँ पे भी होगा एंड q2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो देखो q1 की वजह से क्या लिखोगे, तो q1/4πε0 r√2 प्लस के q2/4πε0 r, पहले इसको डाइजेस्ट करवा लो, तुम लोगों ने कुछ नहीं डिटो ऐसे ही कॉपी कर लिया, पोटेंशियल का कांसेप्ट लगा। देखो यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता करना, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा हमें पता, 1/4πε0 q/r, तो ऐसा ही लिखा q/4πε0 q/r, हमें यहाँ सेंटर पे पता करना। तो इस चार्ज की वजह से कितना होगा डिस्टेंस, देखो ऐसे डिस्टेंस बताओ तो r√2 ही होगा, तो q1/4πε0 r√2, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो
कॉमन ले लो, 1/4πε0i कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा q1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस q2। यहां पे देखो q1 डिवाइडेड प्लस दिस और यहां q1 डिवाइडेड बाय प्लस दिस। एक बात मेरे को बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता कर ले, चेंज इन पोटेंशियल यानी c1 माइनस bc2। ओके चलो देखो साफ करते हैं, आप ही कह रहे हो कर लेना। ये चीज यहां पे लिखता हूं, तो 1/4πε0 एंड r कॉमन ले लेना, ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो 1/4πε0 r इसमें भी है एंड 1/4πε0 r इसमें भी है। देखो q1 ये प्लस में आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा q1 माइनस q2। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज आ जाएगा माइनस के और ये चीज आ जाएगा प्लस के आ जाएगा, तो अगर मैं माइनस के 1/√2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा यहाँ q1 माइनस q2। समझो पहले कुछ कह रही है, सिर्फ ओनली कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेशन सिंपल सा अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, देखिए स्पेस नहीं, मैं यहां सॉल्व करता हूँ चेंज इन पोटेंशियल। ओके देखो ये चीज भी ऑपोजिट में कॉमन हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r, ये चीज हो गई। ठीक है, एलसीएम ले लो तो और यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा √2 माइनस k1। ये हमने कैलकुलेशन किया, वर्क डन बाय कैरिंग चार्ज स्मॉल q, तो वर्क डन पता करना, वर्क डन हमें पता है q × v होता है, q × v, तो देखो q से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस रीजन में जो पोटेंशियल हमें पता किया है, तो q अगर मल्टीप्लाई कर ले q × q1 − q2 ब्रैकेट में √2 − 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 r × √2, इतना जो ये फाइनल वर्क लोग पता किए जो आईआईटी 92 में आया हो, क्वेश्चन तक काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, लॉजिक लगा करके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली हम लोग सॉल्व किया। तो चलिए अभी हम लोग जस्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 4 था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं भी कुछ मोटिवेट हूं और ज्यादा कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।